कहीं आपका अकाउंट किसी अदर डिवाइस में लॉग इन तो नहीं किया, यहीं आपका अकाउंट हैक तो नहीं हो गए? तो आज मैं आपको फेसबुक, व्हाट्सएप, जीमेल के अकाउंट्स के बारे में बताने वाला हूं कि आपके अकाउंट्स किसी और जगह लॉग इन है या नहीं। तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहना, मैं आज आपको सारे डाउट्स क्लियर करके देने वाला हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे फेसबुक की। तो फेसबुक कैसे पता करेंगे किसी और डिवाइस में लॉग इन नहीं या किसी ने मेरा फेसबुक अकाउंट हैक तो नहीं कर लिया? तो चलिए दोस्तों, फिर मैं आपको ले चलता हूँ अपनी मोबाइल स्क्रीन पर, वहां आपको दिखाऊंगा सारी प्रोसेस करके। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर क्रोम में जाकर फेसबुक को लॉग इन कर लेना है। जैसे आप फेसबुक को लॉग इन करेंगे, तो जैसा कि मैंने अपना पासवर्ड और आईडी डाल दी है, तो ऐसे ही आपको यहाँ पर अपना पासवर्ड और जो भी फोन नंबर से बनाई हो या ईमेल से बनाई हो, तो यहाँ पर उसे लॉगिन कर लेना है। तो जैसा कि मैं लॉगिन कर लेता हूँ, तो यहाँ पर आपको यहाँ पर नॉट नाउ पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर उसे क्रोम में खोल लेते हैं। यहाँ पर आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। तो यहाँ पर आपको ये साइड में तीन बार यहाँ आपको दिख रहे होंगे, इस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर जैसे इस पर क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर आपको नीचे सेटिंग पर आ जाना है। तो यहाँ पर ये सेटिंग का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर इस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर जैसे सेटिंग्स का ऑप्शन खुले, तो यहाँ पर आपको सिक्योरिटी एंड लॉगिन का ऑप्शन दिखाई देगा। तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पर आपको लिखा दिखाई दे रहा होगा वेयर यू आर लॉग्ड इन। तो यहाँ पर आपको लिखा दिखाई दे रहा होगा एंड्रॉइड यहाँ पर खुला है और यहाँ पर Xiaomi Redmi में भी खुला है। तो यहाँ पर दो जगह आपका अकाउंट खुला है। तो सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा ये तीन डॉट्स, यहाँ पर इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर लॉग आउट कर देना है। तो ये लॉग आउट हो चुका है। तो फिर एक बार स्क्रॉल कर देख लेते हैं यहाँ पर और कहीं जगह आपका अकाउंट खुला तो नहीं है। यहाँ पर आपको कहीं खुला नहीं है, तो यहाँ पर आपको अपने आना है सेटिंग पर स्क्रॉल करते हुए। तो यहाँ पर आपको लॉग आउट कर देनी है अपनी आईडी, जहां जहां आपका अकाउंट खुला होगा वहां से ये बंद हो जाएगा। तो यही थी प्रोसेस। अब बात करते हैं जीमेल की। आप कैसे पता करेंगे कि मेरा जीमेल अकाउंट हैक नहीं हो गया, किसी डिवाइस में लॉगिन तो नहीं रह गया? तो चलिए दोस्तों, फिर अपने मोबाइल स्क्रीन पर ले चलता हूँ। सिंपली यहाँ पर आपको क्रोम में जीमेल अपना खोल लेना है, जीमेल अकाउंट। तो यहाँ पर आपको gmail.com डालना है और वहां पर अपना अपना जीमेल डालकर अपना अकाउंट खोल लेना है। तो जैसा कि मैं अपना जीमेल अकाउंट यहाँ पर आईडी डालकर अपना अकाउंट लॉगिन कर लेता हूँ। तो जैसा कि मैंने अपनी आईडी यहाँ पर डाल दी है, तो यहाँ पर इस पर क्लिक कर देते हैं और लॉगिन कर लेते हैं। यहाँ पर आपको पासवर्ड पूछेगा, तो यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड डाल देना है, जो भी आपका पासवर्ड है। जैसे ही आप अपना पासवर्ड डाल दे, तो यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आपको डन कर देना है। ये आपका यहाँ पर जीमेल अकाउंट खुल जाएगा। तो इस तरह का इंटरफेस आपको तीन डॉट्स दिख रहे होंगे, तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है उस पर। तो यहाँ पर उस पर क्लिक कर कर यहाँ पर लिखा है डेस्कटॉप साइड, तो इस पर यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको तीन डॉट्स दिखाई दे रहे होंगे, तो इस पर क्लिक कर देना है और आपको नीचे आ जाना है। नीचे आकर यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा डेस्कटॉप का ऑप्शन, इस पर क्लिक कर देना है। कुछ इस तरह का आपको इंटरफेस दिखाई देगा। तो यहाँ पर आपको ये जूम करना है। जूम करने के बाद यहाँ पर आपको डिटेल का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, तो इस पर डिटेल पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप डिटेल्स पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा साइन आउट ऑफ ऑल अदर वेब सेशन, तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। किसी और जगह लॉगिन होगा, फ्रेंड के भी लॉगिन होगा, तो यहाँ से आपका वो हट जाएगा वहां से। तो यही थी सारी प्रोसेस। अब बात करते हैं व्हाट्सएप की। तो व्हाट्सएप कैसे पता करेंगे कि मेरा व्हाट्सएप किसी लैपटॉप या पीसी में लॉगिन तो नहीं है? तो चलिए दोस्तों, फिर मोबाइल की स्क्रीन पर चलते हैं। सिंपली आपको अपने मोबाइल में व्हाट्सएप ऐप को ओपन कर लेना है। जैसे ही आप व्हाट्सएप को ओपन करेंगे, तो यहाँ पर आपको तीन डॉट्स दिखाई दे रहे होंगे, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा व्हाट्सएप वेब, तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर इंटरफेस दिखाई देगा। तो यहाँ पर आपको लिखा दिखाई दे रहा होगा लॉग इन कंप्यूटर, तो जिस कंप्यूटर में आपका ये व्हाट्सएप लॉग इन होगा, उस कंप्यूटर की डिटेल यहाँ पर आपको लिखी दिखाई दे रहे होंगे। तो यहाँ पर आपको लिखा दिखाई दे रहा होगा लॉग आउट फ्रॉम ऑल कंप्यूटर, तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है और लॉग आउट पर क्लिक कर देना है। तो जो मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, तो इस बात पर एक लाइक तो बनता है। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। और वीडियो पसंद आई हो तो इसे शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।